नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। शाहीनबाग मामले में नियुक्त किए गए वार्ताकार आज चौथे दिन भी शाहीनबाग पहुंचे। हालांकि साधना रामचंद्रन ही आज अकेली नजर आई। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग में प्रदर्शन करने वालों से बातचीत की प्रक्रिया जारी है। हालांकि तीन दौर की बातचीत में कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया। तीन दिन की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद आज चौथे दिन साधना रामचंद्रन शाहीनबाग पहुंची और प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत की। गौरतलब है कि शाहीनबाग में पिछले 70 दिनों से CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीनबाग प्रदर्शन को लेकर वार्ताकारों को नियुक्त किया है। निर्भया गैंगरेप के दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने फरमान सुनाया है। फरमान के मुताबिक तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि आप अपने परिवार से कब मिलोगे ये हमें बताएं। चार दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने लिखित तौर पर सूचना दी है कि अंतिम मुलाकात जब करनी हो वे अपने परिवार और जेल प्रशासन को बता दें। नए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मुकेश और पवन अंतिम मुलाकात कर चुके हैं। दोषी अक्षय और विनय से भी परिजनों की अंतिम मुलाकात के लिए कहा जा चुका है। बता दें, साप्ताहिक मुलाकात चारों की अभी जारी है। निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को नया डेथ वारंट जारी किए जाने की मांग वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया था। निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को फांसी होनी है। चारों दोषियों में से मुकेश, विनय और अक्षय फांसी से बचने के लिए राष्ट्रपति के सामने दया याचिका भी लगा चुके हैं, लेकिन वो खारिज हो गई है। उधर दोषी पवन गुप्ता ने अपने कानूनी सलाहकार रवि काजी से मिलने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने शाहीनबाग में चल रहे प्रदर्शन को नौटंकी बताया है। शाहीनबाग पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शाहीनबाग एक नौटंकी है और इस नौटंकी को अब बंद कर देना चाहिए। ये नौटंकी काफी दिनों से चल रही है। देश इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने शाहीनबाग को साजिश करार दिया है। गौरतलब है कि शाहीनबाग में पिछले 70 दिनों से CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की संयुक्त कार्रवाई में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मारे गए दोनों शख्स स्थानीय आतंकवादी थे। आतंकियों की पहचान नवीद भट्ट और अकीब यासिन भट्ट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के पास आतंकियों की मौजूदगी की सूचना थी। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। आपको बता दें, इस हफ्ते हुई यह दूसरी बड़ी मुठभेड़ है।